सुनील जी आपका क्या टेक होता है? आई थिंक आप जिन जिन एक्टरों के नाम आपने लिए, सलमान भाई हो या अक्षय हो या अजय हो, तो आप अगर उनसे ये पूछेंगे तो जरूर कहेंगे कि रजनी सर ही थलाइवा है और उन्हीं की दरबार है। उतना प्यार और उतनी इज्जत उनको, आई थिंक कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक वो है। और ये सवाल पूछने की भी जरूरत नहीं है, वो खुद कहेंगे आपसे ये बात। कोई भी एक और आपके बकेट लिस्ट में कोई ऐसी एक जॉनर है जिसको आप एक्सप्लोर करना चाहते हो? अभी तक हमारे जहन में नहीं है ऐसा कोई जॉनर। एक ट्रांसजेंडर। ओ माय गॉड। मेरा सवाल सुनील सर से है। सुनील सर, हमने धर्म पाजी की एक्शन देखी, सनी पाजी की एक्शन देखी, आपकी एक्शन देखी, तो रजनी सर के एक्शन में आपने क्या कुछ खास पाया? आई थिंक वो कुछ भी करते तो एक्शन लगता है क्योंकि उतनी मूवमेंट है। देखिए, रजनी सर को जब मैं देखता था, जब सेट पे आते थे, हाँ सर, तो आपको लगेगा कि कोई सेंट आ रहा है, यू नो, ज़ेन स्पेस। और जैसे ही वो कपड़े पहनते हैं, जैसे ही मेकअप करते हैं, सडनली देयर इज द सुपरस्टार दैट अराइजेस। तो मैंने पहली बार जिंदगी में एक इंसान का ऐसा रूप देखा है विच वॉज, यू नो, ज़ेन स्पेस, अ सेंट एंड एन एस एक्टर। तो बहुत ही खूबसूरती से आई थिंक वो दोनों अपनी जिंदगी जीते, जो आई थिंक सीखने लायक है और घर लेके जाने के लायक है। आई थिंक द ओनली रोल दैट रजनी सर कैन प्ले इन द फ्यूचर अकॉर्डिंग टू मी इज हिज ओन बायोपिक वेयर ही कैन प्ले अ चाइल्ड टू द टाइम ही इज टुडे। सर आप दोनों बहुत रिजर्व इंसान है, तो सेट पे जब सीन के लिए बात करनी होती थी तो बात करते थे क्या? आप दोनों रिजर्व ही रहते थे? नहीं, बिल्कुल, मैं रजनी सर के साथ ही बैठा रहता था। आई थिंक आई टुक सो मेनी लेसन्स फ्रॉम हिम। तो ये गलत बात है कि हम रिजर्व रहते थे। आई थिंक वी यूज्ड टू बी टॉकिंग ऑल द टाइम, यू नो। और मैं वैसे भी नर्वस रहता था उनके साथ, तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को रिलैक्स करता था उनके साथ बैठ के बात करते। रजनी सर, टुवर्ड्स योर राइट, हियर राइट। रजनी सर, आप जब स्क्रीन पे आते हैं तो एक स्टाइल हमेशा आती है, तो इस बार भी हमें आपकी स्टाइल देखने को मिल रही है, तो ये इनपुट्स आपके कितने रहते हैं इसमें? मेरा इनपुट भी रहते हैं इसमें, बट डायरेक्टर का तो बहुत ज़्यादा रहता है। डायरेक्टर का ज़्यादा रहता है, मुझे मालूम है एक्चुअली क्या स्टाइल क्या है, मुझे मालूम है। मैं जैसे लाइफ में जो हर दिन जैसे रहता हूँ वैसे में रहता हूँ। मैं फास्ट, मेरा एटीट्यूड क्या है, थोड़ा फास्ट चलता हूँ, फास्ट बात करता हूँ, सो वो थोड़ा अलग है, वो डिफरेंट है। दैट्स व्हाई आई थिंक इट इज, अदरवाइज आई एम नॉट पर्टिकुलरली ये स्टाइल ऐसे करना, ऐसे करना, वैसे मत नहीं सोचता मैं। नमस्कार सर, सर हियर, सर 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 सर, या वेलकम सर। मी मुद्दामहून मराठीत बोलेन, सिनेमात तुम्ही पोलीसचा भूमिका करत आहे, तर नेमकं मुंबई पोलीस आणि महाराष्ट्र पोलिसांना काय सांगू इच्छिता? ते मला आमच्या मराठी में बोलतो मी, मराठी काय आहे त्या बेळगामच्या मराठी। मराठी पिक्चरला एक काम करा, एक बार मुझे एक चान्स एक आला, बट मला एक इष्ट आहे मराठी पिक्चरला काम करायचं, बघूता काय करायचं। हॅलो सर, सर मैं 83 में शूट कर लो मुंबई ला, बट ये पिक्चर का 90 डेज काम कर लो ये पिक्चर, सो कंप्लीट 90 डेज कंप्लीटली फुल पिक्चर ये मुंबई मुंबई मुंबईला मुंबई से लोग मतलब बहुत बहुत प्यार, ओके, आई लव मुंबई माणूस, लाइक थैंक यू सर। कोमल, यू आर फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। सर, यू जस्ट सेड दैट यू वुड लाइक टू प्ले a transgender on screen, a mainstream actor saying this is a very big thing because we just had Vijay Sethupathi do it, we have Akshay Kumar who's going to do it. Sir, have you received a script that you said something like this? No, not it, just now actually I expressed my so my wish, so I don't know now actually. Murugadas kind of creators, they should think about that. Hi sir, this is Priyanka from Indian Express in the center. So you're not just one of the most powerful voices in cinema, but also we know that you are entering politics. So I have to ask you about Citizenship Amendment Act,
which has been protested across the country, and yesterday in Jamia Millia Islamia University, police brutality, we all have seen how they did attack students and they barged into the campus, and this also happened in Aligarh Muslim University. So what do you have to say about that, sir? See, this is a cinema function. This is a trailer. Yes. Thank you, Rajin, I don't want to mix politics and cinema. But sir, your voice is influential, and what you say, it matters to everyone. So I express my views in a different platform, not here. Yeah. May I have the next question, please? Rajinikanth ji, aapke left mein, and Sunil Shetty ji, aapse bhi sawal hai. Rajinikanth ji, you know, COP mein aapki film Darbar aa rahi hai, hamari media walon ki taraf se congratulations aapko. And you know, COP mein Dabang 3, Salman Khan bhi aa rahe hain. कॉप में जो है सिंघम अजय देवगन जी की भी फिल्म आ चुकी है, एंड कॉप में अक्षय कुमार सूर्यवंशी की भी फिल्म आ रही है. जितने भी लोगों की फिल्में कॉप में आती है बहुत ही सुपर डुपर हिट होती है, लेकिन ये सारे एक्टर अगर एक दरबार में आ जाएं तो क्या आप मानते हैं कि उस दरबार के असली थलाइवा रजनीकांत जी होंगे? नहीं नहीं नहीं, असली तलेवर लोग होंगे. वो पिक्चर देखकर वो कौन सा किसका अच्छा है, किसका रोल कौन अच्छा किया है करके लोग डिसाइड करनाते हैं, वो रियली तलेवर लोग होता है. सुनील जी, आपका क्या टेक होता है? आई थिंक आप जिन जिन एक्टरों के नाम आपने लिए, सलमान भाई हो या अक्षय हो या अजय हो, तो आप अगर उनसे ये पूछेंगे तो ज़रूर कहेंगे कि रजनी सर ही थलाइवा है और उन्हीं की दरबार है. उतना प्यार और उतनी इज्जत उनको, आई थिंक कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक वो है. और ये सवाल पूछने की भी जरूरत नहीं है, वो खुद कहेंगे आपसे ये बात. रजनी सर, एट दिस एज वेयर डू यू फाइंड द एनर्जी एंड द इंस्पिरेशन, यू नो, टू डांस एंड वर्क लाइक दिस? पार्डन मी, आई डिडंट गेट यू. वेयर डू यू फाइंड द एनर्जी एंड इंस्पिरेशन टू डांस एंड वर्क लाइक दिस? टू बी फ्रैंक विद यू, मनी. I have to justify the money I get, and that is huge. Yeah, okay. No, actually, fashion. Actually, we should love the work we do. I love acting. I love coming in front of camera. So, in front of camera, the camera, the lights, that gives that energy. Pratik, I have a question for you. Hello, Pratik, I have a question for you. How was it working with Rajni sir and Sunil Shetty for the first time? Hi, ma'am. I was actually waiting for my turn. She mentioned she'll ask me a question later. But I must take this opportunity to first let everybody know, and I'm sure Arman will relate, that I feel very out of place on this stage. With sir and AR sir and Sunil sir and Santosh sir, मैं यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है. मैं इन हस्तियों के साथ मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ. लेकिन this is a very very special day for me personally, because I am here in this moment with all with these absolute legends, you know. I'm very grateful and very honored to be here, and thank you to AR sir for giving me this opportunity, sir. He actually saw. I'm going to. मैं थोड़ा कहानी सुनाऊंगा. मैं इस फिल्म में क्या कर रहा हूँ, कैसे मैं इस फिल्म में काम कैसे मुझे मिला. सर ने बागी देखी और उनको वो कैरेक्टर बहुत पसंद था, तो he insisted that he wanted to meet me, and here we are. आपने क्वेश्चन पूछा. I think that pretty much sums up the answer. That it's an absolute dream come true. Like Sunil sir said, you know, take off the bucket list, you know, for every actor, any actor. I mean, we are blessed by your presence, sir, and this is a very special moment for me in my career. Pratik, I have to ask you this, because even Akash said ki abhi ek surya namaskar banega Rajni sir ke liye. I'm sure aapne koi mantra jap to kiya hoga before meeting him. There must have been something running. Mujhe to ye mujhe bilkul believe nahi ho raha hai ki ye is ye haqeeqat hai. Mujhe to ye sapna hi lag raha hai. Shayad subah uth ke fir photo dekh ke fir haqeeqat lagegi.
But was it a difficult moment? Because I know what you're doing. Maybe everybody doesn't. But was it a difficult moment on screen with facing Sir? Absolutely, yes. Oh my absolutely, God. Yes. But he, you know, he's, it's an aura, you know, that energizes you. And exactly like Sunil Sir said, he comes in an absolute simple man and with a heart of gold. Or jab set pe aate hain, it's this aura of this superstar that just comes, you know. And, wow. And ek baar action bolte hain aur that's it. That's it, you know, that's it. The movie is on, actually. It's not even shooting. I mera pehla scene, action scene tha, toh main bahut nervous tha. Yeah. Lekin, achha gaya.